सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऐश के रिटर्न के बारे में। मतलब एक साल से ज़्यादा हो चुका है अब, मतलब एक साल तो हो चुका है, 2023 में गया था ऐश, और 2024 आ चुका है। तो हाँ, मतलब ऐश के रिटर्न अब कब होगा भाई? स्कारलेट एंड वायलेट को भी एक साल हो ही गया है, तो अब ऐश के रिटर्न कब होगा, तो इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो मतलब ऐश के रिटर्न, मतलब स्कारलेट एंड वायलेट, मतलब मुझे लगता है एक कैमियो हो सकता है स्कारलेट एंड वायलेट में। ये एक पॉसिबिलिटी है, स्कारलेट एंड वायलेट में कैमियो हो, और उसके मतलब स्कारलेट एंड वायलेट के बिल्कुल एंडिंग वाले एपिसोड्स में कैमियो हो सकता है। मतलब जब स्कारलेट एंड वायलेट ख़त्म होने वाली होगी, तो बात करते हैं ख़त्म कब होगी। तो जहाँ तक है भाई, स्कारलेट एंड वायलेट की टीआरपी बहुत लो जा रही है, सही में बहुत ज़्यादा लो। मतलब स्कारलेट एंड वायलेट की नहीं, पूरे पोकेमॉन में जितनी भी चीज़ आ रही है उन सबके मतलब चीज़ें बहुत लो ही जा रही है डाउनफॉल में। तो हाँ, यहाँ पर भाई जो स्कारलेट एंड वायलेट है भाई, उसकी टीआरपी इतनी लो जा रही है, तो मुझे लगता है पोकेमॉन वाले भाई इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। जहाँ तक है भाई 80 से 90 एपिसोड तक ख़त्म कर देंगे, या फिर हो सकता है मैक्स टू मैक्स 100 एपिसोड तक ये ख़त्म कर देंगे। वरना भाई ये पोकेमॉन की जो मतलब सीरीज़ रहती है वो कम से कम जाती है भाई 3-4 साल, मतलब 4 साल तक चली जाती है। जर्नीज भी बहुत लंबी थी, पर हो सकता है इसको भाई 80 एपिसोड्स में ख़त्म कर दे, कुछ 80 एपिसोड्स में। तो हाँ, वो 2 साल में मतलब 2025 तक भाई ख़त्म ही कर दे इसको, ऐसा हो सकता है। और भाई ऐश का रिटर्न हो सकता है 2025 में जन 10 में। तो हाँ, ये इसके होने का भाई बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, तो अब आके देखते हैं भाई होता क्या है। तो हाँ, ये तो भाई एनिमे के रिटर्न की बात रही, तो मूवीज़ में भी ऐश का रिटर्न हो सकता है। क्योंकि मतलब तुम्हें पता होगा कि पोकेमॉन की एक भाई मूवी आने वाली है, मतलब बहुत जल्दी पोकेमॉन की मूवी आने वाली है 2025 में। हाँ भाई, 2025 में आने वाली है, 2024 में नहीं आएगी अब, मतलब अभी ऐसा कन्फर्म नहीं है, पर आएगी तो भाई 2025 में आएगी, 2024 में नहीं आएगी। तो 2025 में भाई ऐश का मूवी में हो सकती है, क्योंकि ऐश मतलब तुम पता होगा जैसे आई चूज यू, मतलब ऐश एक आई चूज यू वाला ऐश एक अलग यूनिवर्स का ऐश था, अलग मल्टीवर्स का। तो ये वाला जो मूवी आएगी उसमें कोई अलग मल्टीवर्स का ऐश होगा। तो हाँ, यहाँ पर भाई हमें अपने यूनिवर्स वाला ऐश तो देखने को मिलेगा, पर दूसरे यूनिवर्स का ऐश देखने को मिलेगा, जिसके पास पिकाचू होगा। मतलब वैसा ही होगा, बस वो दूसरे यूनिवर्स का होगा, उसके पास शायद कुछ पोकेमॉन से अलग हो, बस पिकाचू तो होगा उसके पास। तो मतलब ऐसा ऐश का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है, और ये तो भाई हमें पहले देखने को मिल जाएगा 2025 में। तो मतलब ऐश का रिटर्न हमें काफ़ी जल्दी भाई देखने को मिलने वाला, मुश्किल से भाई 1 साल रह गया है जहाँ तक है भाई। तो अगर सब कुछ सही रहा तो भाई 1 साल में हमें ऐश का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। बाकी हाँ भाई, होप करो जल्दी आ रहा है ऐश। बाकी हाँ, इतनी आज की वीडियो पसंद है तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आप लोगों को तुमसे अगली वीडियो में, बाय बाय।